एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, सुखा लिया, और तसल्ली के लिए फिर से इसमें कपड़े से भी मैंने इसे जो है इसका जो भी मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहता है अगर, तो वो भी मैंने सुखा लिया था कपड़े की हेल्प से। और यहाँ पे जो है अब मैं इसकी सारी डंडियाँ तोड़ दूँगी और उसके बाद जो है इसका हम बनाएंगे अचार। और ये अचार जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने ना सबकी डंडी उतार दी है और अब इसका बनाएंगे अचार, जो कि बहुत फटाफट से बन जाता है। और इसको आप 15-20 दिन महीने भर तक भी आराम से फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। और डंडी उतार दी है, अब इसको ना बीस से चक्कू से जो है हम लोग चीर लेंगे, या फिर आप स्टफ करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बीस से कट लगा दूँगी इसमें कोट हो जाए। तो फटाफट भी बनता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। अगर आपके पास में कोई ऐसी सब्जी चटकदार नहीं बनी है, किसी को सुस्त सा खाना बना है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा, तो ये जान डाल देता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में अब, और सबसे पहले जो है अभी इसमें चीरा लगाएंगे। तो चीरा लगाने के लिए ना मैंने यहाँ पे रोटी बेलने वाला पट्टा लिया है और इसी पे ही मैं चीरा लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप जब इसमें चीरा लगा रहे हैं बीज से, तो इसमें जो मिर्ची में तीखापन होता है वो इसके बीजे में ही होता है। और यहाँ पे मैंने पतली वाली ये हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप मोटी वाली मिर्ची से भी अचार डाल सकते हैं, सेम ही टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बस थोड़ा तीखा उसमें कम होता है। हमें ज़्यादा तीखा पसंद है तो हम लोग ये वाली मिर्ची का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बीजे हटा करके दिखा रही हूँ। अगर आप ये वाली मिर्ची डाल रहे हो तो इसके बीजे में ही तीखापन होता है, अगर आप उसको निकाल देंगे ना तो आपको मिर्ची के स्वाद तो आएगा अचार का, लेकिन उसमें तीखा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए अब मैं हाथ से ही ऐसे ही चीरने लगी हूँ, बिल्कुल पाटे का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है और फट-फट हो भी जाता है। मुझे ऐसे करने की आदत है, तो अगर आप लोगों को आदत नहीं है तो आप लोग मत करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के हाथों में क्या होता है ना, मिर्ची अगर तीखी रहती है तो जलन लगने लग जाती है, जलता है हाथ मिर्ची के तीखेपन की वजह से। तो अभी मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, मुझे आदत भी है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अगर जिनको आदत नहीं है बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से मैं सारी मिर्चियों में चीरा लगा लूँगी। हमारा आधा काम हो चुका है, मैंने 5 मिनट में मैंने सारा चीरा लगा लिया और मिर्ची में। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना भीजा था, लेकिन अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इन बीज को रख लीजिए, हटाइए मत, ताकि जो मिर्ची का स्वाद है काफ़ी अच्छा आएगा। मिर्ची का जो अचार है ये वाला काफ़ी जल्दी बनता है, माने आप इसे इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार कह सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनता है। बस जितनी अगर आपकी मिर्ची सूखी है तो आपको कट लगाने में और अचार डालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही लिमिटेड मसाले से ये टेस्टी सा अचार बनके तैयार हो जाता है। और ये सभी को बहुत पसंद आता है, आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख लीजिए, 1 से 2 दिन बस इसमें धूप लगा लीजिए, और अगर धूप नहीं भी लगाते हैं तो आप इसे फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। महीने भर तक इस अचार में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, विनेगर या कुछ भी ऐसा, सिर्फ आप इसमें नींबू का यूज़ कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये क्या है, ये रेड रेड कलर का ये जो है कुंदरू, हाँ कुंदरू है ये, और मार्केट में बहुत ही सब्जी मंडी में आसानी से मिलता है और ये गर्मियों के सीज़न में ही आता है। इसे हम दाल में डाल करके भी खाते हैं, मतलब दाल जब बनती रहे उस वक्त आप इसे डाल लीजिए, और उसमें जो है दाल में खटास आती है इसकी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी खट्टा होता है। और इसे अचार में भी यूज़ किया जाता है, आप इसका सेपरेट अचार भी बना सकते हैं सिर्फ, और मैं यहाँ पे मिर्ची में यूज़ कर रही हूँ खटास के लिए। तो मैं इसका खटास होगा और थोड़ा मैं नींबू का रस डालूँगी तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं जो है पिसी हुई सौंफ है, इसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करने के बाद में इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, और सौंफ में ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल दूँगी थोड़ा। और यहाँ पर पीली वाली सरसों ली है मैंने, ये कलर के लिए काफ़ी अच्छा कलर आएगा इससे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने राई दी है, इसे
एकदम बैलेंस हो जाता है, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको जितना डालना है उस क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी कलर के लिए डाल रही हूँ, जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो नींबू का रस निकाल करके रख रखा है, बीजे निकाल लिए, और अब मैं इसमें रस भी डाल दूँगी। और मैं अभी यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल, कच्ची घानी का सरसों का तेल आप डालिए किसी भी ब्रांड का। और इसे हम अच्छी तरीके से नींबू का रस डालने के बाद में अब मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ किया है। राई हमारे किचन में मिल जाती है, पीली सरसों भी मिल जाती है, और हल्दी नमक तो होता ही है सबके किचन में, सौंफ भी होती है। बस सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है अच्छी तरीके से रोस्ट करके, और उसके बाद इसमें मिला देना है। और इंस्टेंट आपका 5 मिनट में या 4 मिनट बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं अभी मेरे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मैं इसे तुरंत की तुरंत अभी जार में डाल दूँगी, और मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, और मैंने कहीं तक हम इसे एकदम आसानी से खा सकते हैं। करूंदे और हरी मिर्च का बन करके बिल्कुल तैयार है। ये ऑप्शनल है, करूंदे अगर आप देना चाहते हैं तो इससे भी खटास होगा, तो इसके अचार में जो है काफी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ये देखिए, तो आप एक चीज़ का बस ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में डालें, चाहे आपका प्लास्टिक का कंटेनर हो या कांच का हो, बस उसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद धूप में सुखा लें, और सुखाने के बाद ही अचार डालें, नहीं तो कोई भी अचार हो खराब हो जाता है। और गीले हाथ से या किसी भी जूठी चम्मच से आप अचार को ना निकालें। जब भी आपको अचार निकालना हो खाने के लिए, हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा के उसके बाद ही आप सूखी चम्मच से अचार निकालें। और बस मैं इस जार में अभी से डाल दूंगी, और हमारा टेस्टी सा अचार जो है बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज की जो मेरी ये रेसिपी है कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं, और आप लोग उसे लाइक करते हैं तो हमें दिल से बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। और न्यू आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये जो अचार है ये कैसा लगा। और इसमें जो मैंने ये कुंदरू मिलाया है ना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो खुद में खट्टा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खटाई की यूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने बस दो ही नींबू का रस डाला था, और थोड़ा बहुत बचा भी लिया उसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लगा। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा जो अचार है बिल्कुल रेडी, तुरंत बनाया और जार में डाल के ढक के रख दिया, और अभी से महीने भर तक आप आसानी से खा सकते हैं। आप इसे पूरी के साथ खरीदे, पराठे के साथ खरीदे, या फिर आप कहीं सफ़र करेंगे तो इसे ट्रेन में भी आराम से ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार का पूरियों के साथ में, तो आप इसे इंजॉय कीजिए जिस चीज़ के साथ भी आपको खाने का मन करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।